वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो वीडियो उसकी किसने रिक्वेस्ट की, काफ़ी दोस्त भाई जो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जो है ना ज़्यादातर वीडियो जो है ना वो हमारी आर्मी ISI पे जो है ना बनाएं, तो हमने एक वीडियो चूज़ की है, ठीक है, कैप्टन कदीर की। उनका नाम कदीर है और मेरे बड़े भाई का नाम ही अल्हम्दुलिल्लाह कदीर ही है। तो ये स्टोरी है ना, आप याद है, बहुत पुराना। आप बताओ, मैं ये एजेंसी हाँ ऐसे हमेशा ये कहानी ये स्टोरी बताओ मुझे। लॉन्ग टाइम अगो, बहुत बहुत टाइम हो गया था कि शॉर्ट वीडियो देखी थी इनकी, जो स्टोरी थी किसी ने फेसबुक पे शेयर की थी तो देखी थी मैंने। तो मैं अक्सर शेयर करता रहता था इनके साथ ना, तो क्या पता था आने वाले वक्त में जो है ना यूट्यूब चैनल बनाएंगे और आर्मी की वीडियो के ऊपर रिएक्शन। मैं बोला ना मैं इजाजत मांगो, आप नहीं मानो। क्या ये तस्वीर दिखाओ मुझे, दिखाओगी मुझे? ये दोनों तस्वीरें जो मैंने दिखाई थी आपको, एक साइड पे जो इनकी तो ड्यूटी पे थे, ठीक है, तो उनकी हालत जैसी थी वो मैंने दिखाई थी, तो दूसरी इनकी जो आई थिंक घर की था या कहीं की फोटो थी वो मैंने देखी। मैंने कहा कितना डिफरेंट है। तो चलो दे ओके, ये वीडियो क्रेडिट टू हम हकीकत टीवी। 2 साल होगी है ये वीडियो फ्रॉम हकीकत टीवी। ओके तो चले हम शुरू करें। दोस्तों, हकीकत टीवी के साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर पोस्ट आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, हाल ही में आपने गुमनाम कैप्टन की शहादत की खबर सुनी होगी, जिसने कूड़ा उठाते हुए इस मुल्क की खातिर जान दी। आज आपको इस अजीम गुमनाम सिपाही की दास्तान सुनाते हैं। इनका नाम था कैप्टन कदीर शहीद। ये पाकिस्तान के हीरो हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक रोड एक्सीडेंट में शहीद होने वाले पाकिस्तानी फौज के कैप्टन की खबर सारी दुनिया ने देखी। आज आपको इस हीरो के ऐसे सच्चे कारनामे बताते हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये इंसान नहीं था, ये एक फरिश्ता था। वतन की मिट्टी की मोहब्बत में इस फरिश्ते ने खुद को मिट्टी मिट्टी कर दिया। कैप्टन कदीर का ताल्लुक एक बहुत बड़े ज़मींदार घराने से था। ये बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। खुद कैप्टन कदीर 300 एकड़ काबिले काश्त अराजी का जाती मालिक था। सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होने वाले इस नौजवान ने बड़े होकर वतन अजीज की हिफाजत के लिए पाक फौज में भर्ती हो गया। इसके रिश्तेदारों ने इस पर तंज किया कि जब रुपया पैसा घर में मौजूद है, इतनी अमीरी है, तो चंद हजार रुपए की नौकरी क्यों करने की आपको जरूरत पेश आई, और नौकर बनकर रहने में क्या आपको फायदा नजर आता है? ये सुनकर कैप्टन कदीर का खून जोश मारने लगा और उसने चीख कर कहा, फौजी तनख्वाह के लिए भर्ती नहीं होता, फौजी तो वतन अजीज की हिफाजत की खातिर बनते हैं, और मैं इस मुल्क पर अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दूंगा। यही जज्बा लेकर ये नौजवान फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है। मुकाबले का इम्तिहान पास करके और तरक्की करके कैप्टन बन जाता है। इसका जज्बा देखकर इसे खुफिया एजेंसी मिलिट्री इंटेलिजेंस में भेज दिया जाता है, जहां पर मजीद इसे बलूचिस्तान खुफिया मिशन पर भेज दिया जाता है। इसके जिम्मे ये मिशन लगता है कि बलूचिस्तान में रॉक का नेटवर्क तलाश करना है और दहशतगर्दों को ख़त्म करना है। याद रहे, ये वही नेटवर्क है जिसके नवाज शरीफ के शुगर मिल रमज़ान के साथ और कुलभूषण यादव के साथ ताल्लुकात रहे हैं। इसी नेटवर्क ने पाकिस्तान में धमाके करवाए हैं। रॉ के नेटवर्क को तलाश करके मिट्टी की मोहब्बत में ये जुनूनी इंसान, जिसने अपनी सारी जवानी नरम गर्म बिस्तरों में गुजार दी, जहां घर में नौकर चाकर की भरमार थी, एक एक चीज बिस्तर पर नौकर चाकर ऑर्डर करके ले आते थे, मगर आफरीन इस शेर दिल के, इस हीरो ने अपने देश की खातिर, अपने देश को दुश्मनों से बचाने के लिए ये जुनूनी कूड़ा चुनने वाला बन गया। और पूरे 3 साल ये जुनूनी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फकीर बनकर कूड़ा चुनते चुनते गुजार देता है। इसका बिस्तर भी कूड़ा क्रिकेट का ढेर, वहीं इसका खाना पीना सख्त तरीन सर्दियों में ये जुनूनी एक इंतहाई बदबूदार फटे पुराने कंबल में खुले आसमान तले गुजारता है। किसके लिए? सिर्फ इस्लाम और इस वतन के लिए। आखिर इसकी मेहनत रंग लाती है और ये रॉक के बहुत बड़े नेटवर्क कुलभूषण तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है।
जी हाँ दोस्तों, कुलभूषण जैसे मशहूर और मरूफ दहशतगर्द को पकड़ने के पीछे इस जनूनी मारखोर के 3 साल की मेहनत होती है और इसी शख्स की वजह से बलूचिस्तान का नेटवर्क रॉ का काफ़ी हद तक तबाह हुआ और उसी नेटवर्क की वजह से नवाज शरीफ की शुगर मिलों में जो रॉ के एजेंट थे वो पकड़े गए। और इस माह रमज़ान के आगाज़ में सलमान नामी दहशतगर्द जिसको मारते मारते हमारे कर्नल सुहेल खुद शहीद हो गए थे, इसकी इतला देने वाला भी यही मारखोर था। आज बलूचिस्तान में जो अमन कायम हुआ है तो इसके पीछे इस जुनूनी जवान का बहुत बड़ा हाथ है। कैप्टन कदीर के इतने बड़े बड़े कारनामे हैं कि लिखने के लिए किताबें कम पड़ जाएं। दोस्तों आप सोचिए ये कैसा इंसान था, 300 एकड़ अराजी का मालिक, किस तरह 3 साल कूड़ा बेचने वाला फकीर बना रहा। आप बताइए क्या आप और हम 20,000, 25,000, 30,000, मैं कहता हूं कि 1.5 लाख भी अगर आपको और हमें दे दे तो क्या हम फकीर बनकर कूड़ादान में गुजारेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे लोग इंसान हरगिज नहीं हो सकते, फरिश्ते ही हो सकते हैं। हम जैसे नाम नेहाद हिब्बुल वतनी के दावेदार एक रात भी कूड़ा क्रिकेट के ढेर पर गुजार नहीं सकते, मगर इस शख्स ने हम पाकिस्तानियों को सुख देने के लिए अपनी जान तो कुर्बान की ही, अपने नरम गर्म बिस्तरों को भी लात मारी। इस वक्त ये शख्स जन्नत में आराम कर रहा होगा, इसके साथ क्या मामला पेश आएगा ये अल्लाह ही जानता है। हम तो सिर्फ इतना यकीन कर सकते हैं कुरान की उस आयत पर कि शहीद मुर्दा नहीं है और वो अल्लाह के पास से रिस्क पा रहा है। इंशाल्लाह क्यामत वाले दिन जब हम सब देखेंगे इसी कैप्टन की रूह जो है वो परवाज जो कर चुकी है इस दुनिया से, वो बहुत अच्छे तरीके से जन्नत में गुजार रहा होगा। अब आप अंदाज़ा कीजिए नवाज शरीफ हो या पाकिस्तान के महमूद अचकज़ई या दूसरे दुश्मन जो हर वक्त फौज के खिलाफ भौंकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि इन शहीदों के बगैर ये मुल्क चल सकता है? सोचिए कितने कूड़ादान उठा रहे होंगे, कितने साइकिल पर गुब्बारे बेच रहे होंगे, कितने लोग रेडी फल के लगा कर बेच रहे होंगे। किसका दिल करता है कि एक कैप्टन या एक मेजर या एक कर्नल के लेवल पर पहुँच कर भी वो इन कूड़ादानों में जाए? ये सिर्फ ISI और पाकिस्तानी फौज के ही जवान कर सकते हैं। इसीलिए तो इसराइल ने कहा था कि दुनिया में किसी से हमें खतरा नहीं, हमें सिर्फ अगर खतरा है 57 दुनिया में मुल्कों में अगर किसी से खतरा है तो सिर्फ एक पाकिस्तान, उसकी फौज और ISI से है। अल्लाह करे कि हमारे आने वाले जवान इस चीज़ को समझे और हम इंशाल्लाह इस दुनिया पर जब हमारा उरूज होगा तो पाकिस्तान का नाम टॉप पर होगा। दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर पोस्ट आपको वक्त पर मिलती रहे। शहीदों सलाम सलूट हमारी तरफ से। हाँ बोलो ना। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, क्या क्या बोलूं क्या ना बोलूं। हम लोगों के पास एक गाड़ी आ जाए ना तो हमारी तो चाल डाल ही चेंज हो जाती है। कैप्टन कदीर जो एक खानदानी रईस थे हमारे लिए, इस मुल्क के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। कैप्टन कदीर को सलाम है, कैप्टन कदीर साहब को। और ISI जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। शहीद डेथ नहीं है, शहीद जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है वो। तो जो मुल्क के दुश्मन है वो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना वो अपना मुकाम पा के रहेंगे इस दुनिया में भी और आखरत में भी, ठीक है। हमारे दिलों में, ठीक है, ये कभी भी नहीं निकाल सकते पाक आर्मी को, कभी भी नहीं, कभी नहीं। हमारे दिलों में हमारे मुल्क की मोहब्बत, ठीक है, हमारी आर्मी की मोहब्बत, ये लोग कभी भी नहीं निकाल सकते और ये कभी समझ भी नहीं सकते। क्यों? ये पैसे के पुजारी हैं, सिर्फ पैसा ही नजर आता है इनको और कुछ भी नहीं। तो कितना खाया है इन लोगों ने, कितना खाया है और खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान का कुछ बुरा हुआ है? कुछ बुरा नहीं हुआ अभी तक, तो ना ही इंशाल्लाह होगा। ओ दालम बस ना यू कि सो आज जो कमीशन ने देखा कांसो तब आए तो सब टाइप था। सो शहीद कैप्टन अब्दुल कादिर डियनी, अब्दुल कादिर नहीं, कादिर कादिर बलोच है, वो बलोच है। हाँ, एक एक ये हमारे हीरो एक डॉक्टर कादिर है, डॉक्टर भी वो है ना, नहीं डॉक्टर कादिर है वो, उन पे भी वीडियो रिएक्शन वीडियो एक बनाएंगे डॉक्टर कादिर, जिन्होंने हमें एटमी पावर बनाने में, एटमी ताकत बनाने में, एटमी कुवत बनाने में जो मदद की है डॉक्टर डॉक्टर कादिर। वो बाद में आप दिखाओ मुझे। ओके, तो ISI सो दिया बपकाया मचम तू दिया मन्यामा उन्तो उन्तो आप ऐसे उन्तो तंका
Melayu bat bolo ap? Melayu macam mana nak cakap Melayu? Dia menyamar, dia dalam Pakistan, dia on duty, dia menyamar peminta sedekah untuk untuk tangkap apa spy? Teroris. Teroris. So dia dah berjaya tangkap satu. Tak pakai tak pakai dia tak baju. Pakai uniform. Dia pakai. Dia pakai dia menyamar. Biasa lagi koya-koya, slipper pun biasa, macam badan pun kotor. Peminta sedekah lah, orang minta-minta duit. Tak, dia ambil sampah. Oh, bukan minta-minta duit. Tak, dia ambil sampah-sampah. Oh, dia menyamar apa? Macam, dia menyamar orang gila, dia on duty. Tidur pun dia tanpa macam sampah punya tanpa pun, dia tidur pun sana juga. Siapa pun tak tahu dia siapa sebenarnya. Sebenarnya dia, sejarah belakang dia sebenarnya sebelum dia jadi ISI, Pakistan Army, dia sebenarnya anak orang kaya. Tapi dia pilih nak masuk ISI, Pakistan Army untuk dia punya negara, untuk melindungi negara dia, Pakistan lah. So, dia dah berjaya tangkap seorang India. Banyak ada banyak orang. Dia dah tangkap, tapi ada satu India tapi dia ni tunjuk muka lah. Sampai sekarang dia ada dalam penjara, itu orang yang dia tangkap. Dia paling, paling apa? Paling bahaya lah, dia banyak planning yang attack dekat Pakistan, banyak so, dia. Bahata, kaya bola. Dia, kalau nak tahu boleh search story dekat YouTube lah. Hari Army ke saat mazak nahi karo. Bakwas nahi karo. Bakwas nahi karo. Bakwas nahi karo. Mazak bhi hai, mazak, jese kon mazak karo. Apne hi log kya kare, kya bol sakte unko, akal aa jayegi. कैसे अकल आ जाएगी अगर किसी को नहीं सिखाओ तो कैसे अकल आ जाएगी वो जब उसके माँ बाप नहीं सिखा सकते तो हम क्या सिखाएंगे चलो चलो यहाँ तक आज वीडियो है तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज सलाम सलाम एंड सलूट ऑल पाकिस्तान आर्मी हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज ये वीडियो जरूर मिलेंगी तब तक अल्लाह हाफिज बाय अस्सलाम वालेकुम